ओंकार से ओम तक। ओम क्या है? ओंकारेश्वर को समझे बिना कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा अधूरी है। ओम तीन महाशक्तियों का एक पुंज है, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें जन्मदाता, पालनहार और सहारण करता है ओम। सारी सृष्टि ओम में समाई हुई है। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं पता ना था, न दिन होता था न रात, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु की भी सत्ता नहीं थी, उस समय एकमात्र सत ब्रह्म अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती है। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद, पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा लोग ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। ओम को समझने वाला जीवन के सत्य को समझता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान शिव का न आदि है न अंत, शिव सर्वशक्तिमान है। भगवान शिव ही जन्मदाता, पालनहार और सहारण करता है। हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद में तीनों लोकों के रचयिता भगवान शिव को ही कहा गया है। भगवान शिव को अनेक रूपों से, अनेक नामों से पूजा जाता है। कहते हैं शिवलिंग भगवान शिव का पहला रूप है। ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण में कथा आती है कि जब भृगु ऋषि कैलाश में शिव से मिलने गए तो मुनि को मुलाकात के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि शिव उस समय पार्वती जी के प्यार में मग्न थे और मुनि इंतजार करते रहे। शिव सकात ना कर पाए तो भृगु ऋषि ने क्रोधित होकर शिव पार्वती जी को शाप दिया कि मृत्यु लोक में लोग तुम्हें योनि और लिंग के नाम से पूजेंगे। लिंग में तीनों शक्ति समाई हुई है। शिव को नटराज के रूप में भी जाना जाता है, जो नृत्य के राजा भी कहलाते हैं। शिव के क्रोधित नृत्य को रुद्र तांडव कहते हैं और हंसी खुशी के नृत्य को आनंद तांडव कहते हैं। तांडव नृत्य संसार का जन्म, पालन और संहार, साथ में आत्मा की मुक्ति को दर्शाता है। शिव को शक्ति का रूप भी माना गया है। ये रूप है अर्ध नारीश्वर। इनके अंदर जो नारी का रूप है उसे अलग नहीं किया जा सकता। ये रूप जीवन दाता है, इसलिए इस रूप को वैद्यनाथ के नाम और रूपों से जाना जाता है। भगवान शिव समय के अनुसार भिन्न भिन्न नाम और रूपों से जाने जाते हैं, जैसे कि पशुपतिनाथ, नीलकंठ आदि। भगवान शिव के चार हाथ और तीन नेत्र हैं। इनका तीसरा नेत्र कपाल में है, जो बंद रहता है। जब इनका तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय आ जाती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में रुद्राक्ष और चौथा हाथ आशीर्वाद देता है। में रुद्राक्ष माला, जिसे मुंड माला भी कहते हैं, और सर्पों की माला है। शिव जिस्म पर भस्म लगाते हैं, बाघंबर पहनते हैं और डमरू भी धारण करते हैं। शिव जी को अष्ट नामों से जाना जाता है। इनकी प्रमुख नाम है शर्व, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव और रुद्र।
अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भाग लेने गई सती जब अपने द्वारा किया पति शिव का अपमान सह न सकी तो यज्ञ में कूद गई और प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में शिव कैलाश चले गए। तब भगवान ने सती को पार्वती के रूप में हिमालय नैना देवी के घर में जन्म दिया। सती बाद में पर्वत पुत्री कहलाई। बचपन में पार्वती शिव की आराधना करने कैलाश चली गई। कैलाश पर्वत शिव और दूसरे देवी देवताओं का निवास स्थान है। अतः कैलाश मानसरोवर की यात्रा हिंदुओं के लिए इतनी अधिक पवित्र है जैसे कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए और जेरूसलम ईसाइयों के लिए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा दिल्ली गौरी शंकर मंदिर से शुरू होती है। गौरी शंकर मंदिर को कैलाश मानसरोवर का द्वार माना जाता है। ये मंदिर भैरव मंदिर के समान माना गया है। भैरव मंदिर जम्मू के वैष्णव देवी से जुड़ा है। माना जाता है कि वैष्णव देवी की तीर्थ यात्रा तब तक अधूरी रह जाती है जब तक कि यात्री वापसी पर भैरव मंदिर के दर्शन ना करे। गौरी शंकर मंदिर महाराष्ट्र के अप्पा गंगाधर ने 1660 ईस्वी में बनवाया था। वो राजा औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली आ गए थे। गौरी शंकर भगवान शिव के परम भक्त थे। वो और भी कई मंदिर बनवाना चाहते थे। जंगल से भरा ये स्थान उन्हें पसंद आया और यहाँ साफ सफाई करवाकर मंदिर की नींव रखी। बाद में ये मंदिर गौरी शंकर मंदिर कहलाया। पूरे भारत से लोग यहाँ शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ भगवान शिव की शादी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये यात्रा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक बनखंडी महादेव मंदिर से शुरू होती है और लाल किले के सामने गौरी शंकर मंदिर में आकर समाप्त होती है। Thank you.